हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। और आज है गाइस इस बॉक्स में हमेशा की तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी आइटम गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे बताना आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा और सबसे अच्छी चीज आपको कौन सी लगी। दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच विग फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें किस तरह की स्टेशनरी आइटम मिलती है और क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इसके अंदर मिलती है हमें एक वॉच, ये देख सकते हो वॉच मिलती है। और दोस्तों ये वॉच नहीं है, ये है दोस्तों वॉच इरेजर, ये देख सकते हो वॉच वाली इरेजर। तो फटाफट निकालते बॉक्स से, देखते दोस्तों ये इरेजर कैसी है और किस तरह की वॉच मिलती है इसके अंदर। तो ये देखो दोस्तों, इसके अंदर तो रियल की दोस्तों वॉच निकलती है दोस्तों, और ये रियल की वॉच नहीं है, ऐसा लग रहा बिल्कुल रियल की वॉच है। बट दोस्तों ये है एक काफी सुंदर सी इरेजर, ये देख सकते हो वॉच वाली इरेजर है दोस्तों, काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त दोस्तों। और क्वालिटी देख सकते हो इरेजर की कितनी अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल की वॉच है दोस्तों। बट दोस्तों ये इरेजर है। तो आपको ये वॉच वाली इरेजर कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना काफी जबरदस्त ये इरेजर दोस्तों। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं चप्पल, ये देख सकते हो चप्पल मिलती है। और दोस्तों ये चप्पल नहीं है, ये है चप्पल वाला एक पेंसिल शार्पनर, वो कैसे, तो यहां देख सकते हो दोस्तों हमें होल मिलता है और पीछे दोस्तों हमें शार्पनर मिलता है। और शार्पनर की ब्लेड की क्वालिटी भी देख सकते हो कितनी जबरदस्त है दोस्तों। चप्पल वाली दोस्तों पेंसिल शार्पनर मिल गई इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलते एक डोम्स की इरेजर दोस्तों, और वाह। और ये तो है दोस्तों कार वाली इरेजर, और ये इरेजर आती है 10 रुपीज की। चलो फटाफट निकालते बॉक्स से और देखते हैं दोस्तों ये कैसी इरेजर, तो निकाल लेते बॉक्स से। तो ये देखो दोस्तों एक लैम्बोर्गिनी कार लुक में दोस्तों ये इरेजर है, काफी जबरदस्त। और सबसे अच्छी बात है डोम्स की ये इरेजर है, काफी सुंदर सी दोस्तों, काफी प्यारी सी। तो आपको ये कार वाली इरेजर कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको वॉच वाली इरेजर ज्यादा अच्छी लगी या फिर आपको कार वाली इरेजर ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं हाईलाइटर सेट दोस्तों, और ये तो है दोस्तों बिस्किट वाले हाईलाइट यानी कुकीज वाले हाइलाइटर है। तो फटाफट निकालते पैकेट से और देखते हैं दोस्तों हाइलाइटर की टिप कैसी है। और इस पैकेट में दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 6 कलर के दोस्तों बिस्किट मिलेंगे, यानी 6 कलर के दोस्तों हाइलाइटर मिलेंगे। चलो एक हाइलाइटर को चलाते हैं, देखते हैं दोस्तों इसकी टिप कैसी और कैसा चलता है ये हाइलाइटर। ये देख सकते हो कुकीज वाले हाइलाइटर है, देख सकते हो डिजाइन भी काफी जबरदस्त है, ढक्कन ऊपर से ओपन होगा। और ये देखो दोस्तों इसकी टिप, और ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है, काफी अमेजिंग चल रहा है दोस्तों। आपको ये बिस्किट वाला हाइलाइटर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चल साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं अप्सरा की एक एचवी पेंसिल दोस्तों। एचवी पेंसिल दोस्तों कितने की आती है, तो ये आती है दोस्तों 70 रुपीज की, और ये स्पेस वाली दोस्तों पेंसिल है। तो चलो फटाफट बॉक्स को ओपन करते देखते दोस्तों कैसी एचवी पेंसिल मिलती है। वैसे इस बॉक्स में दोस्तों हमें शार्पनर फ्री में मिलेगा और रूलर भी फ्री में मिलेगा। तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर ट्रिपी शार्पनर सेट मिलता है, जिसमें दोस्तों हमें इरेजर मिल जाता है ये देख सकते हो, और एक काफी अच्छा सा शार्पनर भी मिल जाता है ये देख सकते हो। शार्पनर की क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है दोस्तों, काफी अमेजिंग है, 2-in-1 सेट मिल जाता है। चलो अब आपको पेंसिल दिखाता हूं, फिर आप बताना आपको पेंसिल कैसी लगी और पेंसिल का डिजाइन कैसा लगा। तो ये देखो दोस्तों टोटल गाइस इसके अंदर 10 पेंसिल मिलती है, और 10 पेंसिल पे दोस्तों डिजाइन देखो दोस्तों कितना खूबसूरत और कितना अमेजिंग बना है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है गोल्ड वुडन पेंसिल है दोस्तों, साइज भी काफी अच्छा है इस एचवी पेंसिल का। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों बॉक्स में क्या मिलता है कैसी चीज मिलती है। तो ये देखो दोस्तों एक और पेंसिल मिली, और ये देखो दोस्तों इसके अंदर का रूलर काफी जबरदस्त रूलर है, और ये रूलर कितने का आता है, तो ये रूलर आता है 7 रुपीज का, देख सकते हो काफी अच्छा 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है फ्लेयर का सिल्की क्रियोन्स कलर दोस्तों, और वाह। और ये तो जेल क्रियोन्स कलर है दोस्तों, और ये बॉक्स कितने का आता है, तो ये बॉक्स आता है दोस्तों 200 रुपीज का। तो फटाफट निकालते बॉक्स से देखते हैं दोस्तों ये सिल्की जेल क्रियोन्स कलर कैसे। तो एक क्रियोन्स कलर को निकाल लेते, तो ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त है, साइज भी काफी अच्छा है, ढक्कन ओपन करते देखते कैसी टिप है। तो ये देखो दोस्तों इसकी टिप कितनी जबरदस्त है, और ये देखो दोस्तों मेरे हाथ पे भी चल रहे हैं दोस्तों जेल पेन, ये तो काफी अमेजिंग है। टिप तो काफी छोटी मिली है दोस्तों, और दोस्तों टिप छोटी नहीं है, टिप को बड़ी करने का तरीका क्या, तो पीछे वाले पार्ट को दोस्तों रोल करेंगे, फिर दोस्तों आगे क्रियोन्स कलर निकलना चालू हो जाएगा। और ये देखो दोस्तों अल्ट्रा स्मूथ जेल क्रियोन्स कलर है, काफी सुंदर सा दोस्तों, काफी प्यारा सा, और क्वालिटी भी देख सकते हो कितनी अमेजिंग है इस क्रियोन्स कलर की। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है फ्लेयर का जैम एचवी पेंसिल सेट दोस्तों, और इसके
अंदर 200 में 2B लीड मिलेगी। और ये एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल सेट है, और ये कितने का आता है, ये आता है 200 रुपीज का। तो चलो फटाफट बॉक्स को ओपन करते, देखते दोस्तों कैसी पेंसिल मिलती है और इसके अंदर दोस्तों हमें कैसे इरेजर मिलते हैं। तो निकाला तो ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त पेंसिल है, पूरी ब्लैक कलर की पेंसिल है। और ये देखो दोस्तों गोल्ड वुडन पेंसिल है, क्वालिटी देख सकते हो इस एचपी पेंसिल की कितनी जबरदस्त है। साइज की बात करें साइज भी काफी अच्छा है। और ये देखो दोस्तों इन पेंसिल के पीछे देखो दोस्तों डायमंड लगे, यार ये तो काफी खूबसूरत दोस्तों काफी अमेजिंग पेंसिल है। और ये देख सकते हो इन डायमंड की वजह से ये पेंसिल कितने जबरदस्त लग रही है दोस्तों, ये तो काफी जबरदस्त एचपी पेंसिल है दोस्तों। और ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें कितनी बड़ी इरेजर मिलती है, और इतनी बड़ी इरेजर दोस्तों हमें किसी भी एचपी पेंसिल बॉक्स में नहीं मिलता, ये तो काफी जबरदस्त दोस्तों काफी अमेजिंग है दोस्तों। और ये इरेजर कितने की आती है, तो ये इरेजर आती है दोस्तों कितने की, चलो मैं आपको इसका प्राइस बता दूं, तो ये इरेजर आती है 10 रुपीज की, देख सकते हो काफी बड़ी इरेजर मिल जाती है इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक गन, ये देख सकते हो गन मिलती है, और ये है दोस्तों गन वाला एक पेन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो ये देख सकते हो इस गन पे दोस्तों हमें एक स्कोप मिलता है, और इस स्कोप में दोस्तों हमें एक बटन मिलता है, इस बटन को ऑन किया तो ये देखो दोस्तों लाइट जल गई, और लाइट की रोशनी देख सकते हो कितनी तेज है काफी जबरदस्त। चलो दोस्तों पेन को निकालते देखते हैं दोस्तों पेन की टिप कैसी। और ये देखो दोस्तों इस गन में तो दोस्तों हमें एक स्टैंड मिल जाता है, इस स्टैंड को खोलेंगे फिर दोस्तों इसे टेबल पे काफी अच्छे से सजा भी देंगे दोस्तों, स्टैंड के सहायता से दोस्तों ये गन खड़ी हो जाएगी दोस्तों, काफी अमेजिंग है दोस्तों। चलो पेन को निकालते देखते हैं दोस्तों पेन की टिप कैसी और पेन कैसा चलता है। तो ये निकाल लिया पेन, और ये देखो दोस्तों पेन की टिप कितनी पतली है दोस्तों, काफी जबरदस्त है। गन वाला आपको पेन कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताने। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच दोस्तों, और इस पेंसिल पाउच में देखो दोस्तों हमें कितना बड़ा लॉक मिलता है। इन दोनों लॉक में दोस्तों हम अपनी जिप को लगा लेंगे दोस्तों, फिर हमारी इस जिप को कोई भी ओपन नहीं कर सकता, ये तो काफी जबरदस्त है। चलो जिप ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों इस पेंसिल पाउच में कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों ओपन किया तो अंदर का इंटरफेस देख सकते हो कितना जबरदस्त है, यहां देख सकते हो दोस्तों हमें नेट वाला पॉकेट मिल जाता है, और इस नेट वाले पॉकेट में दोस्तों हमें जिप मिल जाती है। सेकंड सेक्शन में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4 लॉक मिल जाते हैं, जिसमें दोस्तों हम पैड पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। इस वाले कंपार्टमेंट को हटाते हैं तो नीचे दोस्तों एक और सेक्शन मिलता है जिसकी गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच है दोस्तों, काफी सुंदर सा काफी प्यारा सा। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स से हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक काफी सुंदर सा एक स्टेशनरी बॉक्स दोस्तों, ये काफी जबरदस्त स्टेशनरी बॉक्स है, और ऐसा स्टेशनरी बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखा होगा। चलो पन्नी को पहले फाड़ते और निकालते हैं दोस्तों इस बॉक्स को पन्नी से, तो भी पन्नी को फाड़ने में बड़ा भी मजा आ रहा है दोस्तों। और यहाँ देखो दोस्तों हमें लॉक मिलता है, और इस लॉक का पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड दोस्तों हमें कहाँ मिलेगा, तो पासवर्ड दोस्तों हमें इस पीछे एक स्टिकर मिलता है, इस स्टिकर के अंदर दोस्तों हमें मिलेगा पासवर्ड, ये देख सकते हो पासवर्ड मिलता है। पासवर्ड क्या है, 135 है दोस्तों, तो 1 को हम नीचे कर देंगे दोस्तों, 3 को नीचे कर देंगे, 5 को भी नीचे कर देंगे। यहाँ देख सकते हो बटन मिलता है, और इस बटन को दबाएंगे फिर ढक्कन ओपन हो जाएगा, और ढक्कन ओपन होते ये देख सकते हो अंदर का इंटरफेस कितना जबरदस्त है। और यहाँ देखो दोस्तों हमें एक स्टिकर मिलता है जिसपे दोस्तों हम अपना नाम, क्लास, फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ लिख सकते हैं। अब ओपन करते हैं, तो ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इस बॉक्स में गाइस हमें मिलते हैं 3 सेक्शन, ये देख सकते हो 3 सेक्शन मिलते हैं, और बड़े वाले सेक्शन में दोस्तों हमें मिरर भी देखने को मिल जाता है, मिरर की क्वालिटी काफी जबरदस्त दोस्तों काफी अमेजिंग है। 3 सेक्शन में दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये स्टेशनरी बॉक्स कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और सबसे अच्छा तो देखो दोस्तों इसका बंद करने का तरीका, ये देखो दोस्तों अभी बंद नहीं हो रहा, तो इसके इस वाले पार्ट को दोस्तों इस तरह ओपन करेंगे, खोलेंगे फिर दोस्तों कुछ इस तरह से बंद कर देंगे इसे, ये देख सकते हो गया बंद। तो आपको ये स्टेशनरी बॉक्स कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक स्कूटर, वो भी डोरेमोन का दोस्तों, और ये है दोस्तों एक स्कूटर वाला पेंसिल शार्पनर, वो कैसे, तो यहां देख सकते हो दोस्तों हमें एक होल मिलता है, इस होल में पेंसिल को डालेंगे फिर पेंसिल को कुछ इस मशीन की सहायता से दोस्तों शार्प करेंगे, और सारा कूड़ा दोस्तों इसके पीछे एक ट्रे मिलता है, इस ट्रे में दोस्तों हमारा सारा पेंसिल का कूड़ा आ जाएगा, ये देख सकते हो, और ट्रे भी काफी बड़ा है दोस्तों काफी जबरदस्त है। तो आपको ये डोरेमोन का स्कूटर शार्पनर सेट कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हम मिलते हैं एक स्टेशनरी किट, और इस स्टेशनरी किट में चलो देखते हैं दोस्तों हमें कितनी चीजें मिलती है और क्या क्या चीजें मिलती है। तो फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर तो काफी सुंदर और काफी प्यारी सी सीजर मिल जाती है, और सीजर भी देख सकते हो डबल कलर में सीजर मिलती है, और सीजर की क्वालिटी काफी अच्छी है दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें एक स्टेपलर मिलता है, ये देख सकते हो येलो कलर का स्टेपलर मिल जाता है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों एक बॉक्स मिलता है, और इस बॉक्स में दोस्तों हमें मिलेंगे स्टेपलर पिन दोस्तों, काफी
काफी जबरदस्त। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक छोटी सी डायरी, ये देख सकते हो छोटी सी डायरी मिलती है, और डायरी के पेजेस भी देख सकते हो कितने जबरदस्त दोस्तों, कितने अच्छे हैं, काफी अच्छी डायरी मिल जाती है दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मार्कर मिला, मार्कर मिला यानी व्हाइट बोर्ड भी जरूर मिलेगा इस स्टेशनरी किट के अंदर। तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर कितना जबरदस्त और कितना प्यारा हमें व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, देख सकते हो काफी अमेजिंग। और इस व्हाइट बोर्ड में आगे और पीछे दोनों साइड दोस्तों व्हाइट बोर्ड मिलता है, और नीचे देख सकते हो दोस्तों हमें अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड को कैरी करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक हैंडल मिलता है जिसे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हो दो दो पेंसिल मिलती है, और दोनों पेंसिल का साइज काफी जबरदस्त है, वुडन पेंसिल है दोस्तों, काफी अमेजिंग चीज दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों एक इरेजर मिलती है, साथ ही दोस्तों हमें शार्पनर मिलता है, देख सकते हो काफी सुंदर सा दोस्तों, काफी प्यारा सा। और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है, तो किट होगी खाली, ये किट तो काफी अच्छी है। इस किट में देखो दोस्तों हमें व्हाइट बोर्ड भी मिल गया, सीजर भी मिल गया, स्टेपलर भी मिल गया, ये किट तो वाकई में काफी जैसे दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक आउल वाला बॉक्स दोस्तों, एक आउल वाली बॉटल मिलती है, और ये देखो दोस्तों इसे कैरी करने के लिए एक हैंडल मिल जाता है जिससे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं। चलो आउल के फेस को ओपन करते हैं, यानी ढक्कन को ओपन किया, तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं हमें स्केच मार्कर, और काफी सारे स्केच मार्कर मिल जाते हैं, 12 कलर के स्केच मार्कर मिलते हैं, काफी जबरदस्त। चलो एक स्केच मार्कर को चलाते हैं, देखते हैं कैसी टिप है और कैसा चलता है ये स्केच मार्कर। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसकी कितनी जबरदस्त है, चलाते तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है ये स्केच मार्कर दोस्तों। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं स्पॉन्ज बॉक्स की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, और इसका लॉक देखो दोस्तों कितना डिफरेंट है। तो इसके लॉक को कुछ इस तरह से ओपन करेंगे, फिर दोस्तों यहां पर एक ट्रे मिलता है, ट्रे पे दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है, 4 पेंसिल लॉक हो जाएगी दोस्तों इस लॉक में। और सबसे अच्छी बात है इस ट्रे को उठाने के लिए दोस्तों इसमें गाइस हमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक को पकड़ेंगे फिर ट्रे को उठा लेंगे, फिर नीचे दोस्तों हमें एक सेक्शन मिलता है जिसकी गहराई काफी अच्छी, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। स्पॉन्ज बॉक्स की ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर सी, काफी प्यारी सी। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक पेंसिल पाउच, ये देख सकते हो कितनी सुंदर पेंसिल पाउच है, पिंक कलर की पेंसिल पाउच है, और इसकी जिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त और कितनी अच्छी क्वालिटी की है दोस्तों। जिप को ओपन करते हैं, तो ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर का इंटरफेस कितना जबरदस्त है, और यहां देखो दोस्तों हमें एक पॉकेट मिलता है, यहां देखो दोस्तों हमें एक जिप वाला पॉकेट मिल जाता है, काफी जबरदस्त है दोस्तों। और यहां देखो दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉकेट और मिल जाते हैं जिसमें दोस्तों पेन पेंसिल को अच्छे से लॉक करके रख सकते हैं। इस वाले कंपार्टमेंट को हटाते हैं तो पीछे भी दोस्तों हमें एक पॉकेट मिल जाता है जिसमें दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा, और यहां पर दोस्तों हमें एक सेक्शन और मिल जाता है जिसकी गहराई काफी अच्छी, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त पेंसिल पाउच है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है पूसी कैट की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, और इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखो दोस्तों हमें कैलेंडर भी देखने को मिल जाता है, और यहां देखो दोस्तों एक स्टिकर मिलता है जिसपे दोस्तों हम अपना नाम क्लास सब कुछ लिख सकते हैं। चल पहले बटन को दबाते हैं, पहले बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों शार्पनर ऊपर आ गया, और शार्पनर को कैसे यूज करेंगे तो यहां देख सकते हो दोस्तों हमें होल मिलता है, इस होल में पेंसिल को डालेंगे, पेंसिल को साफ करेंगे, सारा कूड़ा दोस्तों इसके अंदर जमा हो जाएगा, फिर दोस्तों इसके ढक्कन को खोलेंगे, फिर कूड़ा फेंक देंगे दोस्तों। सेकंड बटन को दबाते हैं, सेकंड बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों इधर से एक ढक्कन खुल गया, और यहां दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट और मिल जाता है, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हम अपना छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहां देखो दोस्तों हमें एक पॉकेट मिलता है, और इस पॉकेट में दोस्तों हम अपना पूरा क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं, और यहां देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट मिलता है, इस कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों डुअल पेंसिल लॉक मिल जाता है, टोटल गाइस हम अपनी 4 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। चलो तीसरे बटन को दबाते हैं, तीसरे बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों हमारा कंपार्टमेंट बन गया एक ब्रिज लुक में, देख सकते हो नीचे दोस्तों हमें हिडन कंपार्टमेंट मिल जाएगा जिसमें दोस्तों हम अपनी मनी कुछ भी महंगी चीज छुपा के रख सकते हैं दोस्तों। चलो फोर्थ बटन को दबाते हैं, फोर्थ बटन को दबाया तो एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आता है जिसमें दोस्तों हम अपनी इरेजर कुछ भी चीज रख सकते हैं दोस्तों। चलो पीछे वाला ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। पीछे वाला ढक्कन ओपन किया तो पीछे भी दोस्तों एक कंपार्टमेंट और मिलता है, इस कंपार्टमेंट गहराई काफी अच्छी है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। पुसी कैट की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हम मिलते हैं छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी सुंदर है। चलो इसका ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो पहले वाले ढक्कन को ओपन किया दोस्तों हमने, तो यहां देख सकते हो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन, एक सेक्शन में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है, और एक सेक्शन काफी बड़ा मिलता है, और दोनों सेक्शन काफी बड़े बड़े हैं दोस्तों, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो बंद करते हैं, पीछे वाला ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। पीछे वाला ढक्कन ओपन किया तो पीछे भी दोस्तों एक सेक्शन और मिलता है, इस सेक्शन की गहराई काफी अच्छी, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। और यहां देखो दोस्तों बीच में भी हमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक को ओपन करा तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलता हमें एक व्हाइट बोर्ड दोस्तों, देख सकते हो कितना बड़ा व्हाइट बोर्ड मिलता है, और यहां देखो दोस्तों हमें अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं,
साथ ही 200 काउंटिंग भी देखने को मिल जाती है। छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स काफी सुंदर और काफी प्यारी है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं बीटीएस की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। और कौन कौन है दोस्तों बीटीएस आ रही है प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो पहले वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है, एक सेक्शन में पेंसिल लॉक मिल जाता है, एक खाली सेक्शन मिलता है। चलो बंद करते हैं, पीछे वाला ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। पीछे वाला ढक्कन ओपन किया, पीछे भी दोस्तों हमें कंपार्टमेंट मिलता है। इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक को पकड़ते हैं, इसे खींचा तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलता है हमें एक व्हाइट बोर्ड दोस्तों। ये तो काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी अमेजिंग है। चलो इसे बंद कर देते हैं, चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। ये तो काफी जबरदस्त है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें तीन तीन सेक्शन मिलते हैं, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो पहले वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों पहले ढक्कन को ओपन करते यहां देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, तीन सेक्शन है, एक सेक्शन में पेंसिल लॉक मिल जाता है, एक छोटा सेक्शन मिलता है, काफी बड़ा सेक्शन मिल जाता है, बट इनकी गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो पीछे भी दोस्तों हमें कंपार्टमेंट मिलता है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। ऊपर भी दोस्तों हमें ढक्कन मिलता है, ढक्कन को खोला तो यहां देखो दोस्तों ऊपर वाले ढक्कन में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक गाइस आइसक्रीम वाला पैन। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत पैन है और इस पैन पे डिजाइन भी देख सकते हो कितना अमेजिंग है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कैसी टिप है। ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसकी टिप कितनी जबरदस्त दोस्तों, कितनी अच्छी है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं डोरा की एक ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। चलो इसका ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो ट्रे है, ट्रे पे दोस्तों में तीन सेक्शन मिलते हैं, एक सेक्शन में दोस्तों पेंसिल लॉक मिल जाता है, एक छोटा सेक्शन है जिसमें दोस्तों हम अपनी इरेजर शार्पनर रख सकते हैं, और एक और बड़ा सेक्शन मिलता है जिसमें दोस्तों हम पेन को रख सकते हैं, स्ट्रे को हटाते हैं। तो नीचे दोस्तों हमें कंपार्टमेंट मिलता है, इस कंपार्टमेंट गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। और नीचे भी दोस्तों हमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक को खींचा तो ये देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है हमें एक व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड का डिजाइन देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है दोस्तों, और कितना स्टाइलिश व्हाइट बोर्ड मिलता है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। ये डोरा की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, काफी सुंदर सी दोस्तों। आपको ये डोरा की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताने। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का बॉक्स दोस्तों, और इस यूनिकॉर्न के बॉक्स में से कुछ आवाज आ रही है। तो चलो फटाफट ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। इसका ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर तो मिलता हमें एक कंघा देख सकते, और कितना जबरदस्त कंघा है और कितना अमेजिंग कंघा है दोस्तों, और क्वालिटी तो वाकई में काफी जबरदस्त है इस कंघे की दोस्तों। और ये देखो दोस्तों इसमें गाइस हमें मिलता एक मिरर, ये देख सकते हो ये है गाइस कंघा प्लस मिरर सेट यूनिकॉर्न का। तो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपको मिरर ज्यादा अच्छा लगा या फिर आपको कंघा ज्यादा अच्छा लगा। तो आपको ये यूनिकॉर्न का मिरर कंघा सेट कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो बॉक्स हो गया खाली, आज इस बॉक्स में दोस्तों में एक से बढ़कर एक स्टेशनरी आइटम मिली। मुझे तो सच बताऊं ये वॉच वाली इरेजर बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपको क्या अच्छा लगा आज प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो साथ अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।